ने लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्त होने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी गांव, शहर, कस्बों में विशेष सावधानी बरतने की भी हिदायत दी गई है। गांव, शहरों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मास्क न लगाने पर भी चालान किया जा रहा है। बिना मास्क के जो भी बाहर दिखाई दे रहा है उस पर चालानी प्रक्रिया की जा रही है। ये तस्वीरें आप प्रतापगढ़ की देख पा रहे हैं, जहां पर आज लॉकडाउन के दिन में पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। साथ ही साथ पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं कि जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रशासन ने 35 घंटे के कर्फ्यू को लेकर सख्ती दिखाई है। शहर से लेकर गांवों तक इसका पालन कराया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने इसके पालन को लेकर एसडीएम, सीओ, थाना अध्यक्ष व अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी कर रहे जिला अधिकारी नितिन बंसल ने ये भी बताया कि कोरोना का प्रकोप हर रोज बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन को लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सख्ती दिखानी पड़ रही है। जिले के सभी गांव, शहर, कस्बों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। बिना मास्क के बाहर मिलते ही उनका चालान भी किया जा रहा है। कोरोना महामारी को लेकर के जहां पूरे देश में हाहाकार मचा है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो और अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर रायबरेली